दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपनी स्टडी CSA यूनिवर्सिटी कानपुर से करे। आखिर CSA यूनिवर्सिटी कानपुर छात्रों की पहली पसंद क्यों है? इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं CSA यूनिवर्सिटी कानपुर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो ये CSA यूनिवर्सिटी कानपुर है, इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका जो प्रसिद्ध नाम है, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ये यूनिवर्सिटी 1906 में कृषि कॉलेज के रूप में विकसित की गई थी। बाद में इसे यूपी कृषि विज्ञान संस्थान 1969 और अंत में इसे 1975 में CSA आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप CSA यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में पड़ती है। कानपुर उत्तर रेलवे के हावड़ा दिल्ली मार्ग पर स्थित है। इटावा कैंपस NH2 शेरशाह सूरी मार्ग पर स्थित है। विश्वविद्यालय सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिवहन का साधन रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी है। विश्वविद्यालय कानपुर सेंट्रल रेलवे बस स्टेशन से 8.4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है वो आपका इटावा में पड़ता है। वो जो है आपका BR अंबेडकर जिला अस्पताल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी जल्दी ही इसका नया कैंपस ओपन हुआ है जो कि आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में एडमिशन चाहिए तो आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का नेम यूपी कैटेट है। आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम क्रैक करके CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और जो CSA यूनिवर्सिटी कानपुर होती है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने BSc के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपकी रैंक अंडर 150 है तभी आप इसमें एडमिशन पा पाएंगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC और SC वाले भी 200 के अंदर अगर रैंक होती है तभी ये यूनिवर्सिटी पाने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं CSA यूनिवर्सिटी कानपुर की ICAR की रैंक के बारे में। तो जो CSA यूनिवर्सिटी कानपुर है, इसकी 2021 में जो ICAR ने रैंक निकाली है यूनिवर्सिटीज़ की, इसमें इसकी 43 पोजीशन है इंडिया में। ये इंडिया की 43वीं अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी 43 पोजीशन है इंडिया में। दोस्तों, बात करते हैं ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। तो CSA यूनिवर्सिटी में आपको BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेस, PhD एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेस, इसके अलावा आपको BTech, MTech और आपका जो है डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, MBA, फिशरीज साइंस, वेटनरी साइंस, होम साइंस, ये सारे कोर्सेज करने को मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर एलाइड स्ट्रीम के सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये लिस्ट दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फीस के बारे में। तो CSA यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, अगर आपने BBSc के लिए एडमिशन लिया है तो आपको 69,650 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस पड़ेगी। दोस्तों, ये फीस एवरेज है, ये फीस कभी भी घट बढ़ सकती है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, वो कभी भी फीस को घटाया बढ़ा सकती है। अगर आपने BTech के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 58,150 रुपये फीस पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। BSc हॉनर्स की फ़ीस आपकी 46,650 रुपये है फर्स्ट ईयर की। MSc की फ़ीस आपकी है 63,650 रुपये फर्स्ट ईयर की। BFSc बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की फ़ीस है 46,650 रुपये फर्स्ट ईयर की। MTech की फ़ीस है आपकी
63,650 रुपीस फर्स्ट ईयर की। एमबीएससी की फ़ीस आपकी पड़ती है 69,650 रुपीस फर्स्ट ईयर की। तो ये फीस है इसकी। और दोस्तों बात करते हैं कि सीएसआई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। तो सीएसआई यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत 18 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, जो कि आपके अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, फतेहपुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, ललितपुर, झांसी में स्थित हैं। और दोस्तों आप यहां से स्टडी करने के बाद आपको कैंपस सिलेक्शन के चांस भी रहते हैं। यहां पर कंपनियां आती हैं एग्रीकल्चर की, जिनके द्वारा आप जो है कैंपस सिलेक्शन से अच्छी जॉब पा सकते हैं। और सीएसए यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है ये सिटी में पड़ता है, इसके आसपास बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप कंपटीटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इसीलिए सीएसए यूनिवर्सिटी यूपी की बेस्ट यूनिवर्सिटी कही जाती है, और लोग यहाँ एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले प्रयास करते हैं कि यहाँ एडमिशन उनको मिल जाए, क्योंकि इसका लोकेशन और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी नंबर एक क्लास की हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमेशा सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये था सीएसआई यूनिवर्सिटी कानपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।